हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम रिप्रोडक्शन इन साइकॉन के बारे में पढ़ेंगे। ये बीएससी फर्स्ट ईयर की लोअर नॉन कॉर्डेड फाइलम पोरीफेरा का ये टॉपिक है। पोरीफेरा का एक मेंबर है साइकॉन, इसके बारे में हम आज इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो साइकॉन जो होता है, ये इसको हम अर्न स्पॉन्जेस के नाम से भी जानते हैं और क्राउन स्पॉन्जेस के नाम से जानते हैं। ये मोस्टली मेराइन वाटर में पाए जाते हैं। साइकॉन जो होते हैं वो मेराइन वाटर स्पॉन्जेस होते हैं और ये सॉलिटरी होते हैं और कॉलोनियल होते हैं। और ये किसी मतलब रॉक से, किसी सबस्ट्रेटम से अटैच होकर एक जहाँ सी में रहते हैं। तो इसके पहले वीडियो लेक्चर में मैंने साइकॉन की मॉर्फोलॉजी और इसके कैनाल सिस्टम को डिस्कस कर चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ वीडियो। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम रिप्रोडक्शन इन साइकॉन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये वर्ड जो रिप्रोडक्शन है, इसका मतलब क्या होता है। अगर इस वर्ड को हम लोग ब्रेक करें, इस वर्ड को अगर ब्रेक करते हैं तो ब्रेक करेंगे तो री मीन्स अगेन, प्रोडक्शन मीन्स टू प्रोड्यूस या टू मेक, मतलब पुनः पुनः बनाना, मतलब पुनः उत्पादन। रिप्रोडक्शन का मतलब है पुनः उत्पादन। अब देखिए साइकॉन में जो होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा इसमें, ठीक है। साइकॉन रिप्रोड्यूस एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको साइकॉन में सबसे पहले देखिए, आपको ये टर्म है, ये हर्माफ्रोडाइट, इसके बारे में आपको जानना होगा कि ये होता क्या है। हर्माफ्रोडाइट मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इन द सेम बॉडी, मतलब ये हर्माफ्रोडाइट, इसको मोनोसियस भी कहते हैं, कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन इन सेम बॉडी, मतलब एक बॉडी में मेल ऑर्गन भी हैं, मेल सेक्स ऑर्गन भी हैं एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन भी हैं, जिसको हम हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। और इसमें फर्टिलाइजेशन जो होता है वो क्रॉस होता है एंड इंटरनल ड्यू टू प्रोटोगैमी। फर्टिलाइजेशन इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा। अब आप सोच रहे होगे कि मेल एंड फीमेल में सेक्स ऑर्गन एक में रहते हैं, मतलब मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इन सेम बॉडी, एक बॉडी में दोनों सेक्स ऑर्गन होते हैं, तो इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्यों होता है, मतलब अलग अलग क्यों होता है, एक ही में क्यों नहीं हो जाता है। तो इंटरनल क्रॉस होता है और इंटरनल होता है, बट ये ड्यू टू प्रोटोगाइनी की वजह से ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। मीन्स मतलब जो इसमें मेल से स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, मेल से स्पर्म एंड फीमेल से ओवम, तो ये मतलब जब तक ये दोनों एक साथ मैच्योर नहीं होते हैं, फीमेल का ओवा बहुत पहले ही मैच्योर हो जाता है स्पर्म के मुकाबले, ठीक है, तो इसको हम प्रोटोगैनी कहते हैं। इसलिए इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। मतलब एक साइकॉन यहाँ पर है, जैसे मान लीजिए कहीं पर एक साइकॉन ये है, ये साइकॉन मान लीजिए बना दी, साइकॉन की ये बॉडी है, तो इसमें मेल एंड फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन है। फिर कहीं दूर पे एक और साइकॉन की बॉडी है, इसमें भी मेल एंड फीमेल ऑर्गन सेक्स ऑर्गन इसमें है, तो इसमें क्या होगा कि ये इसका स्पर्म यहाँ से रिलीज होकर कहीं दूसरे स्पॉन्ज के फीमेल के ओवा से फर्टिलाइज करेगा। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे होगा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा, और इसमें ये हर्माफ्रोडाइट कहलाता है, मोनोसियस भी हम इसको कहते हैं, कि मेल एंड फीमेल
सेक्स ऑर्गन इन सेम बॉडी। रिप्रोडक्शन मीन प्रोडक्शन ऑफ द सेम इंडिविजुअल ऑफ द सेम काइंड। ये लिखा हुआ रिप्रोडक्शन का मतलब है प्रोडक्शन ऑफ द सेम इंडिविजुअल, मतलब सेम इंडिविजुअल की प्रोडक्शन होता है ऑफ द सेम काइंड। बेनिफिट इसमें क्या होता है, देखिए रिप्रोडक्शन से बेनिफिट क्या होगा, मेंटेन एग्जिस्टेंस ऑफ एनिमल, एनिमल की मेंटेनेंस रहती है और इंक्रीज देयर नंबर, नंबर में इंक्रीज होता है। फॉर मीन्स ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सहायता से, अगर हम इसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें साइकॉन में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं तो ये बाई बर्डिंग होगा, बर्डिंग से होगा। बी रीजेनरेशन होगा, इसमें बर्ड निकलेंगे, रीजेनरेशन होगा, दोबारा पुनः जनरेट करेगा। फॉर्मेशन ऑफ रिडक्शन बॉडीज, बॉडीज का रिडक्शन होगा, मतलब फॉर्मेशन होगा रिडक्शन बॉडीज, फॉर्मेशन ऑफ रिडक्शन बॉडीज। चौथा है डी है हमारा जेम्यूल फॉर्मेशन। तो हम इसको एक एक करके देखते हैं कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये सारे प्रोसेस कैसे कैसे होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, मेल एंड फीमेल का जो ये स्पर्म एंड ओवम, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस से जो स्पर्म बना हो, ओजेनेसिस से ओवा बना, ये दोनों फ्यूज होकर क्या बनाएंगे, जाइगोट। जाइगोट के बाद एक न्यू इंडिविजुअल बनता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे करता है, ऐसे ये कहलाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बडिंग कैसे होता है, बडिंग साइकॉन, ठीक है। बडिंग के लिए साइकॉन फेवरेबल कंडीशन में होगा, फेवरेबल कंडीशन फूड टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन एक्सेट्रा, मतलब जब इसमें साइकॉन में बडिंग होना होगा तब फिर साइकॉन मतलब फेवरेबल कंडीशन में होगा, उसके पास भरपूर मतलब पूरा फूड होगा, उसके पास टेम्परेचर अच्छा खासा होगा, ऑक्सीजन उसके मतलब ऑक्सीजन उसका बहुत अच्छा होगा, मतलब ये कंडीशन उसके लिए जब उसके लिए बहुत अच्छा कंडीशन होगा तब ये बडिंग होता है इसमें साइकॉन में। और मेच्योर होगा, फुल्ली डेवलप साइकॉन, मेच्योर और फुल्ली डेवलप साइकॉन, साइकॉन एकदम मेच्योर होगा, डेवलप हुआ रहेगा तब इसमें बडिंग होता है। तीसरा क्या है, बडिंग स्टार्ट एट द स्टोलन और बेस एज एन स्मॉल आउटग्रोथ। जो बडिंग होता है वो कहाँ से होता है, उसके बेस के पास से होता है, जिसको हम स्टोलन कहते हैं। जैसे इसमें आप डायग्राम में देखो यहाँ पर, तो ये यहाँ से उसके बेस से बडिंग स्टार्ट होता है, यहाँ पर इसके बेस से बडिंग स्टार्ट होता है। बडिंग स्टार्ट एट द स्टोलन और बेस, इसको स्टोलन भी कहते हैं, बेस एज द स्मॉल आउटग्रोथ, बट इंक्रीज इन साइज, जो बड निकलता है साइड से वो इंक्रीज इन साइज, साइज मतलब इंक्रीज करता है, एंड ऑल द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट डेवलप, मतलब कुछ दिनों बाद उसकी जो भी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स है वो डेवलप होती है, जैसे ऑस्टिया डेवलप होगा, ऑस्कुलम उसमें डेवलप होगा, ठीक है। यंग इंडिविजुअल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट उसमें डेवलप होंगे, जैसे ऑस्टिया हो गया, ऑस्कुलम हो गया, ये डेवलप होंगे, मतलब यंग इंडिविजुअल बन जाएगा, यंग हो जाएगा, फिर ये क्या होगा,
डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगा एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम एज न्यू इंडिविजुअल, मतलब वो अपने पेरेंट बॉडी से डिटैच्ड हो जाएगा और किसी सबस्ट्रेटम से अटैच होकर, अटैच टू द सबस्ट्रेटम एज न्यू इंडिविजुअल, मतलब एक नया ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल अपने न्यू इंडिविजुअल हो जाएगा, मतलब वो फुल्ली वहाँ से ग्रोन होकर एक न्यू बॉडी डेवलप कर जाएगा। एक केस तो इसमें ये है, एक होता है और नॉट डिटैच, और नॉट डिटैच फ्रॉम द पेरेंटल बॉडी, तब उसको हम कहें जब नहीं अटैच, मतलब डिटैच नहीं होगा इसे एक बॉडी से, ये अलग नहीं होगा तब उसको कॉलोनी कहलाएगा। यहाँ पे डायग्राम से आप समझो, ये साइकॉन की बॉडी है, इसमें ये स्टोलन, इसके बेस से बड निकलना स्टार्ट हो गया, देखिए ये बेस दिखाया हुआ है, फिर बड फॉर्मिंग, यहाँ से बड फॉर्मिंग होने लगा, बड निकलने लगा, फिर आगे चलकर बड ग्रोइंग, बड ग्रो कर रहा है, धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, फिर यहाँ आकर देखो इस डायग्राम में देखो बड डेवलप हो गया, डेवलप हो चुका है। अब डेवलप हुआ है तो ये साइज में मतलब साइज में इंक्रीज हो गया होगा, उसकी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स जो हैं वो डेवलप हो गए होंगे, ऑस्कुलम आ गए होंगे इसमें, फिर क्या होगा तो अब ये जैसे ये डेवलप है, डेवलप है ये बड, अब ये इसके पास एक ऑप्शन ये है कि ये इससे डिटैच्ड हो जाएगा, टूट जाएगा, टूट के किसी बेस से किसी सबस्ट्रेटम से अटैच हो जाएगा, रॉक से अटैच होकर ये ग्रो कर जाएगा यहाँ पर, मतलब एक अलग बन जाएगा, एक अलग साइकॉन बन जाएगा, एक ऑप्शन ये है। एक ऑप्शन इसके पास ये होता है बडिंग में कि ये इसके साथ ही रहेगा, इसी के साथ ग्रो करेगा, इसमें भी ऑस्कुलम बन जाएगा, ऑस्ट्रिया इसमें भी प्रजनन हो जाएगा, पानी इसके थ्रू एंटर करेगा, इसका भी कैनाल सिस्टम होगा, बट ये इससे इसके सेल से अटैच रहेगा, तो ये इसको हम कॉलोनी कहेंगे, कॉलोनी, ये कॉलोनी बना लेगा, ये सेसाइल हो जाएगा। सॉलिटरी हो जाएगा, सॉरी सॉलिटरी हो जाएगा, ये कॉलोनियल हो जाएगा, सेसाइल से वो स्थानबद्ध कहलाता है, ठीक है। बडिंग क्या होता है कि मतलब बड निकलना एक साइड से, जैसे साइकॉन में इसके स्टोलन से बड निकला, फिर वो ग्रो किया, डेवलप हो गया, डेवलप होने के बाद उसके पास ऑप्शन था कि वो जो उसकी पेरेंटल बॉडी है उससे वो अटैच रहेगा या उसे रिलीज हो जाएगा, तो उसके पास दोनों ऑप्शन था, ये बडिंग में होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं रीजनरेशन, साइकॉन में रीजनरेशन कैसे होता है, रीजनरेशन भी कुछ हद तक बडिंग के जैसा ही है, इसमें भी फेवरेबल कंडीशन की ज़रूरत होती है, जब साइकॉन के पास भरपूर फूड हो, टेम्परेचर हो, ऑक्सीजन हो, कंडीशन उसकी फेवरेबल में हो एंड आल्सो सेमी फेवरेबल कंडीशन, मतलब कुछ हद तक बडिंग के जैसा ये रीजनरेशन है, रीमेक और रिपेयर द डैमेज पार्ट ऑफ द बॉडी, रीजनरेशन में क्या होता है रीमेक और रिपेयर, मतलब रिपेयर कर जाएगा जो इसकी बॉडी की पार्ट्स कोई डैमेज हो गई है उसको रिपेयर कर देगा वो, तो रीमेक और रिपेयर द डैमेज पार्ट ऑफ द बॉडी, स्मॉल बॉडी पीसेस, बॉडी का अगर स्मॉल पीसेस है डेवलप इनटू न्यू साइकिल, बॉडी के जो स्मॉल पीसेस है टुकड़ा है जैसे मान लो ये है तो ये डेवलप कर जाएगा न्यू साइकिल में, बट ये प्रोसेस जो होता है ये वेरी स्लो प्रोसेस, बहुत ही स्लो प्रोसेस इसका होता है, मतलब इसमें काफ़ी समय लग जाता है कि न्यू इंडिविजुअल बनाने में, रीजनरेशन में ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन, रीजनरेशन में इसका पावर ग्रेट होता है, इसको हम कहते हैं ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन। अब डायग्राम से आप समझिए कि ये एक साइकॉन की बॉडी है, ये ऑस्कुलर प्रेजेंट है, बाकी ये ऑस्कुलर है, ये ऑस्टिया,
ये साइकॉन की बॉडी है, ये ऑस्ट्रिया है, ये ऑस्कुलम है, और ये इसी बेस से अटैच है जिसको हम सबस्ट्रेटम कहेंगे, सबस्ट्रेटम में और बेस से अटैच है। अब मान लो कि इसकी जो बॉडी है वो डैमेज हो गई, कुछ पार्ट डैमेज हो गए, इस साइकॉन में इस एक साइकॉन से तीन पार्ट बन गए, डैमेज हो गए, टूट गए, मतलब पानी की कमी से किसी वजह से। तो जो मान लो कि ए बी सी तीन पार्ट में ये टूट गए, ए बी सी। अब इसमें क्या होगा, ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन होगा, ये कुछ कुछ मतलब प्रोसेस तो वेरी स्लो है, कुछ सालों बाद ये न्यू इंडिविजुअल को डेवलप कर जाएंगे। तो देखिए एक साइकॉन से तीन पार्ट में ये डैमेज हो गया, टूट गया, तो तीनों पार्ट डेवलप कर गया न्यू साइकॉन में, ठीक है, रीजनरेटेड इंडिविजुअल, ठीक है, मतलब दोबारा इंडिविजुअल बन गए। ये प्रोसेस पूरी रीजनरेशन कहलाती है। अगला हमारा था फॉर्मेशन ऑफ रिडक्शन बॉडी, फॉर्मेशन ऑफ रिडक्शन बॉडी। इसमें क्या होगा, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द साइकॉन ब्रेक इट्सेल्फ इनटू स्मॉल पीसेस। जब इसमें अनफेवरेबल कंडीशन होता है, अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब यह है कि इसके पास खाने को फूड नहीं होंगे, पानी में वैसे पानी में नहीं रह पाएगा, पानी जैसे ये जहाँ पर है साइकॉन वहाँ पानी पानी ना हो, एकदम सूख गया हो, तो ये उसके लिए टेम्परेचर ना हो, ऑक्सीजन ना हो इसको मिल पाए, तो वो उसके लिए अनफेवरेबल कंडीशन होगा। उसमें क्या होगा, ब्रेक इट्सेल्फ खुद से स्मॉल पीसेस पीसेस में कई टुकड़ों में ये टूट जाएगा। द स्मॉल पीसेस हैविंग हिस्टोलॉजिकल पार्ट्स एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म डेवलप इनटू न्यू साइकॉन। मतलब जो उसके एक्टोडर्म होगा और एंडोडर्म होगा, क्विनोसाइट एंड पिकेनोसाइट होगा, पिनेकोसाइट, वो क्या करेगा, वो डेवलप कर जाएगा न्यू साइकॉन में अंडर फेवरेबल कंडीशन में। जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तब, मतलब ये मान लो ये देखो ये साइकॉन है, ये साइकॉन की बॉडी है, ये क्या हुआ, अनफेवरेबल कंडीशन में ब्रेक हो गया, इट्स सपोज से कई पीसेस में ये ब्रेक कर गया, बॉडी स्प्लिट हो गई। तो देखो यहाँ ये ब्रेक कर गया ना बॉडी पीसेस, तो ये क्या करेगा, जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो क्या करेगा ये साइकॉन। अब इसमें भी इसके पास दो ऑप्शन होगा कि जितना भी ब्रेक किया हुआ पार्ट्स है, जितने भी पीसेस है, सब पीसेस से एक न्यू इंडिविजुअल बना लेगा, मतलब सेपरेट अलग अलग, ईच पीसेस डेवलप इनटू ए इंडिविजुअल, मतलब हर एक पीस डेवलप कर जाएगा एक न्यू इंडिविजुअल में। और एक ऑप्शन इसके पास होगा कि ये सारे पीसेस इकट्ठा होकर फिर से रीयूनाइट टू फॉर्म कंप्लीट इंडिविजुअल, मतलब फिर से वो एक इंडिविजुअल को कंप्लीट कर जाएगा, कब, फेवरेबल कंडीशन में। फॉर्मेशन ऑफ रिडक्शन बॉडीज में ये होगा कि जब अनफेवरेबल कंडीशन होगा साइकॉन के पास, तो वो खुद से ब्रेक हो जाएगा स्मॉल पीसेस में, और स्मॉल पीसेस जब जब इसके पास फेवरेबल कंडीशन आएगी, जब इसके पास फूड आ जाएगा, टेम्परेचर होगा, ऑक्सीजन होगा, वाटर होगा, तब ये क्या करेगा कि इस ये या तो ईच पीसेस मतलब हर एक पीस से एक न्यू इंडिविजुअल को बना ले, या ये इकट्ठा होकर एक जगह होकर एक इंडिविजुअल को फिर से कंप्लीटली बना ले। फोर्थ हमारा था जिम्यूल फॉर्मेशन। जिम्यूल फॉर्मेशन में क्या होगा, ये भी अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, ये जिम्यूल फॉर्मेशन, ये अनफेवरेबल कंडीशन होगा, प्रोसेस ऑफ इंटरनल, ये प्रोसेस इंटरनल होगा, डेवलप फ्रॉम आर्क्योसाइट, एक आर्क्योसाइट सेल होते हैं उससे ये डेवलप करेगा। प्रोसेस ऑफ जिम्यूल फॉर्मेशन, इसके जो आर्क्योसाइट सेल है वो किस प्रोसेस से होगी, गैमियल फॉर्मेशन के प्रोसेस से होगी। देखिए
लिखा हुआ है, आर्क्योसाइट सेल असेंबल इन टू असेंबल इन ग्रुप, आर्क्योसाइट जो सेल होगा वो असेंबल हो जाएगा ग्रुप में, एंड फ्रॉम बॉल एट वेरियस प्लेस इन मीजन कैम, ये कहाँ इकट्ठा हो जाएगा, मीजन कैम में, जो मान लो इस आइकन की आउटर लेयर है, इस आइकन का इनर लेयर है, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कोलार सेल, ठीक है। तो ये बीज वाला जो पोर्शन होगा ये क्या होगा, ये मीजन कैम है, इसी में आर्कियोसाइट सेल होते हैं, ठीक है, आर्कियोसाइट सेल होते हैं, और इसमें स्पिक्यूस भी होगा, स्पिक्यूस होते हैं मीजन कैन में, मीजोहाइल में आर्कियोसाइट सेल यहाँ होता है। तो ये क्या होगा, ये ग्रुप में हो जाएगा, असेंबल इन ग्रुप फ्रॉम बॉल एट वेरियस प्लेस इन मीजन कैन, मीजन कैन में होता है, बॉल इज कवर्ड बाय ए थिन इनर मेम्ब्रेन सिक्रेटेड बाय दी आर्कियोसाइट सेल। जो बॉल होगा, ये बॉल जो होगा ये क्या करेगा, ये थिन इनर मेम्ब्रेन से सिक्रेटेड हो जाएगा, सिक्रेट करेगा आर्कियोसाइट सेल को, ए थिक आउटर लेयर इज फॉर्म बाय द सिक्रेशन ऑफ आर्कियोसाइट सेल। ये थिक आउटर मेम्ब्रेन से आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाएगा, अब क्या सिक्रेट करेगा, आर्कियोसाइट सेल को सिक्रेट करेगा। स्पिक्यूस बिटवीन इन बिटवीन दीज आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, जो स्पिक्यूस होगा वो, जैसे ये डायग्राम में हम देख लो, स्पिक्यूस जो होगा वो क्या होगा, लिखा हुआ स्पिक्यूस बिटवीन दीज आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन के बीच में स्पिक्यूस होते हैं, ठीक है। ये इनर मेम्ब्रेन, ये आर्कियोसाइट है। गेम्यूल इज ए स्मॉल मस्टर्ड सीड लाइक स्ट्रक्चर, ये जो गेम्यूल होगा ये मस्टर्ड सीड लाइक स्ट्रक्चर की तरह दिखेगा, मस्टर्ड सीड की तरह दिखेगा, ये मस्टर्ड सीड की तरह ये दिखता है। जब ये अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो गेम्यूल फॉर्मेशन के थ्रू एक नया इंडिविजुअल को बना लेता है, कब देखिए, अंडर फेवरेबल कंडीशन, जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो द आर्कियोसाइट सेल रीअरेंज एंड कम आउट ग्रो स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोपाइल। ये एक ओपनिंग आप देख रहे हो ना यहाँ पर, ये माइक्रोपाइल है। जब फेवरेबल कंडीशन होगा तो आर्कियोसाइट क्या करेगा, आर्कियोसाइट सेल क्या करेगा, ये आउटग्रोथ बाहर की तरफ एक स्मॉल ओपनिंग से निकलेगा, जिसको हम माइक्रोपाइल कहते हैं, थ्रू स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोपाइल एंड डेवलप इनटू ए यंग स्पॉन्जेस। यहाँ से ये निकल कर, ये निकल जाएगा यहाँ से, तो पानी की लहरों से और कुछ जानवरों के थ्रू ये पूरी जगह बिखर जाएंगे, हर जगह ये चले जाएंगे, पानी की बहाव से इधर उधर चले जाएंगे, और फिर वहाँ पर ये डेवलप कर जाएंगे यंग स्पॉन्ज में। ओके, अब देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, बडिंग हो गया, गैमेट फॉर्मेशन हो गया, रीजनरेशन प्रोसेस हो गया। तो अब देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, साइकॉन में, साइकॉन इज हर्माफ्रोडाइट और मोनोसियस। हर्माफ्रोडाइट अभी बताया कि मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इन सेम बॉडी, एक बॉडी में दोनों ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट्स डेवलप इन द सेम साइकॉन, मतलब मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो डेवलप होते हैं वो एक ही साइकॉन के अंदर होंगे, जो गैमेट डेवलप होंगे मेल एंड फीमेल का वो एक ही इंडिविजुअल में होंगे, जिसको हम हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। गैमेट आर डेवलप बाई आर्कियोसाइट सेल, गैमेट कैसे डेवलप होगा, आर्कियोसाइट से डेवलप होगा इन मीजन कैम में, जो साइकॉन की आउटर और इनर जो लेयर होगी, जो इनर आउटर इनर सेल होंगे उसके बीच बिटवीन में मीजन कैम होगा, उसी में आर्कियोसाइट सेल होते हैं। सेक्सुअल इन्वॉल्व स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस,
गैमिटोजेनेसिस, गैमिट का बनना, और फिर क्या होगा इसमें, फर्टिलाइजेशन होगा एंड जाइगोट फॉर्मेशन होगा, फिर उसके बाद कई पोस्ट जाइगोटिक डेवलपमेंट होता है। अब देख लीजिए यहाँ पर है स्पर्मेटोजेनेसिस, ये आर्कियोसाइट सेल है, ये आर्कियोसाइट क्या होगा आगे चलकर स्पर्मेटोगोनियम होगा, और फिर इसमें इसकी न्यूक्लियस डिवाइड होकर स्पर्मेटोसिस्ट बनाएगी, स्पर्मेटोसिस्ट, और फिर इसमें म्यूसिस होगा, म्यूसिस होकर ये चार स्पर्मेटोसाइट बना लेगा, ठीक है। स्पर्मेटोसिस्ट से म्यूसिस होकर ये दो से चार बना जाएगा, चार बन जाएगा, और फिर इस चार स्पर्मेटोसाइट से चार स्पर्म प्रोड्यूस होंगे। ओके, आप देखते हैं ओ जेनेसिस क्या होगा इसमें, मतलब एग का फॉर्मेशन कैसे होगा, ओवम कैसे बनेगा। तो इसी ऑर्कियोसाइट सेल से फीमेल फीमेल का भी ओवम का फॉर्मेशन होता है। देखिए अब ये क्या है, ये जो रेडियल कैनाल है, ये अंदर रेडियल कैनाल की साइड है, मतलब स्पॉन्जोसील। तो ये जो लेयर है कोइनोडर्म, ठीक है, ये कोइनोसाइट सेल्स हैं, मतलब कोलार सेल्स हैं ये। अब इससे इस पे ये अटैच होता है आर्कियोसाइट सेल। अब ये क्या करेगा, ये डेवलप होगा इसमें ओसाइट्स में, आर्कियोसाइट ओसाइट। अब ये यहाँ पर धस जाएगा अंदर की ओर, थोड़ा इसमें धसेगा, और देखिए फिर इसमें क्या होगा, म्यूसिस होगा, म्यूसिस होकर ये ओवम बना लेगा। इसी आर्कियोसाइट से ओवम का निर्माण हो रहा है, ये देखिए अंदर की साइड ये रेडियल कैनाल है, ये वन ओवम फॉर्मेशन, इससे एक ओवम का फॉर्मेशन होगा, एक एग का फॉर्मेशन होगा। अब इसमें देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन एंड जाइगोट फॉर्मेशन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होगा, जाइगोट फॉर्मेशन क्या, देखते हैं कैसे होगा। मेल गैमिट्स और स्पर्म, जो मेल में स्पर्म होगा आर मोटाइल, रिलीज इन सी वाटर, जो स्पर्म होगा वो मोटाइल होगा, वो रिलीज होकर वाटर में रिलीज हो जाएगा, बट फीमेल में ऐसा नहीं होगा। फीमेल गैमिट्स और ओवम स्टैटिक स्टे, मतलब फीमेल जो गैमिट्स है वो मोटाइल नहीं होगी, वो मतलब एक ही जहाँ, वो फ्री स्विमिंग नहीं कर सकती, ठीक है, तो वो स्टे एक जहाँ होगा, इन मीजेनकाइम एंड एक्सपोज्ड, वो मीजेनकाइम में ही रहेगी। एक्सपोज रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल के पास मेल गैमिट इंटर अलोंग विथ वाटर, मेल होगा वो इंटर करेगा वाटर से, इंटर करके वाटर से तैरता हुआ स्विम करता हुआ कहाँ पहुँचेगा, एंड रीच द इन रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल में पहुँच जाएगा, मतलब उसके ऑस्टियस से, फिर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन क्रॉस होगा एंड इंटरनल होगा। यहाँ आप डायग्राम से समझ सकते हो कि ये देखो ये कोलार सेल्स है, इस पे ये ओवम है, ये इसका न्यूक्लियस है। स्पर्म क्या हुआ, अंदर आ गया, अब ये स्पर्म क्या जाएगा, ये देखो कोइनोसाइट्स हैं, ये सेल्स हैं ना, कोलार सेल्स हैं, ये कोलार सेल्स हैं, ये कोइनोसाइट है, अंदर रेडियल कैनाल है, ठीक है। तो ये स्पर्म आया अंदर की तरफ रेडियल कैनल, अब ये जाकर इससे फ्यूज़ कर देगा, ये आगे दिखाऊंगा, यहाँ से फ्यूज़ कर देगा, यहाँ पर ये स्पर्म इसको फ्यूज कर दिया, ये स्पर्म यहाँ पर यहाँ दिखाया हुआ है, इसको फ्यूज कर दिया ये ओवम को, फिर क्या होगा, ये कुछ दिनों बाद ये जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेगा। इसमें जो एम्ब्रियोनिक पीरियड है उसके
उसके बारे में हम अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है रिप्रोडक्शन इन साइकॉन। ठीक है, साइकॉन क्या होगा? वो हर्माफ्रोडाइट होता है। हर्माफ्रोडाइट साइकॉन में रिप्रोडक्शन जो होगा वो एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों तरीके से होगा। एसेक्सुअल में क्या क्या होगा? बडिंग होता है, रीजनरेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ रिडक्शन बॉडीज एंड गैम्यूल फॉर्मेशन। बडिंग में क्या होगा? बड का फॉर्मेशन होता है, बड निकलता है जो फेवरेबल कंडीशन में होता है। जब साइकॉन के पास कंडीशन उसकी जब फेवरेबल होगी, फेवरेबल कंडीशन मतलब उसके पास भरपूर फूड होगा, खाने को होगा, न्यूट्रिएंट भरपूर होगा, ऑक्सीजन होगा, टेम्परेचर होगा उसका, और वो मैच्योर होगा मतलब डेवलप एडल्ट होगा, डेवलप रहेगा साइकॉन, तब बडिंग स्टार्ट होती है उसमें। और वो कहाँ से होगी? उसके बेस से होती है, मतलब एक छोटा सा आउटग्रोथ इसमें निकलना लिखा है ना, स्मॉल आउटग्रोथ वहाँ से निकलता है। फिर बर्ड क्या करेगा? धीरे धीरे मतलब वो इंक्रीज करता है साइज में, और उसके जो भी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होते हैं वो डेवलप करने जाते हैं, जैसे डेवलप करने लगते हैं, जैसे ऑस्टिया हो गया, ऑस्कुलम हो गया, ये सब डेवलप करते हैं, मतलब यंग बना लेते हैं, यंग इंडिविजुअल करते हैं। फिर बर्ड के पास जैसे बर्डिंग हो गई तो उसमें दो उसके पास ऑप्शन होते हैं कि वो डिटैच होकर अलग एक इंडिविजुअल को बना ले पूरी साइकॉन की बॉडी को, या उससे नॉट डिटैच होकर मतलब ना उससे अलग होकर एक कॉलोनी बनाकर उसके साथ रह सकता है। रीजनरेशन तो आपने देखा कि रीजनरेशन ये भी फेवरेबल कंडीशन में होता है, उसके पास जब फूड भरपूर फूड होगा, टेम्परेचर होगा, ऑक्सीजन होगा, वाटर होगा, अच्छा मौसम, तब